स्वागत है आप सभी का न्यू इंडिया न्यूज चैनल में। रुक करती हूँ इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कृषि भूमि को किया अतिक्रमण मुक्त। जी हाँ, आपको बताते चले आज तक की बड़ी कार्रवाई। खरगोश जहर के मगरूल रोड पर बुधवार को प्रशासन ने अब तक की बड़ी एवं अनोखी कार्रवाई की है। यहां प्रशासन ने 100 साल पुराने कब्जे की बेस कीमती करीब 12 एकड़ कृषि भूमि अपने कब्जे में ले ली है। सुबह करीब 10 बजे SDM ओम नारायण सिंह, नपा CM प्रियंका पटेल, CMO प्रियंका पटेल भारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे चली कार्रवाई में यहां बने कच्चे पक्के निर्माण तोड़े गए। दोपहर 1 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, SP धर्मवीर भी पहुंचे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि उक्त भूमि 1925 में बागेश्वरी मंदिर के नाम से अलाट थी, जिसके प्रबंधक के तौर पर कलेक्टर के अधीन है। शासन के निर्देश पर उक्त भूमि पर किए गए कब्जे को हटाया है। इतने समय तक उक्त भूमि पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, इसकी जांच की जाएगी। यहां योगेश ठक्कर द्वारा कच्चे पक्के मकान निर्माण भी था, जिसे GCB की मदद से हटाया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक उक्त भूमि करीब 60 करोड़ रुपए से अधिक की है। देखिए, अनुमानित कीमत लोग 50 से 60 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन सबसे ये है कि शहर के भीतर ये बहुत ही बेशकीमती ज़मीन है और बहुमूल्य शासकीय ज़मीन लंबे समय से सर कब्जा कर रखा था सर। ये आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों से कब्जा था और संबंधित व्यक्ति पे अपराध दर्ज हुआ था जो कब्जाधारी था, और वो भी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध दर्ज हुए थे, और उसको समय क्यों एक्शन नहीं लिया, इसकी जाँच की जाएगी। ये क्या सर प्रबंधक कलेक्टर इस ट्रस्ट के थे सर, उनके नाम से दर्ज थी रिकॉर्ड में? हाँ, बेसिकली ऐसी सारी ज़मीनें जो मंदिरों की ज़मीनें हैं और मंदिरों को उपयोग के लिए दी जाती हैं, वो प्रबंधक कलेक्टर का नाम इसलिए दर्ज होता है कि उसका उस ज़मीन का उपयोग मंदिर की देखभाल के लिए हो, किसी के निजी लाभ के लिए। अब सर ये ज़मीन किसके कब्जे में सर अगर रहेगी? ज़मीन चूँकि प्रबंधक कलेक्टर है तो इसके लिए तहसीलदार यहाँ के रिसीवर होंगे और उनके कब्जे में रहेगी। भविष्य में अगर कोई अगर इस पर कब्जा पाएगा तो तहसीलदार जिम्मेदार होंगे। ज़मीन से कब्जा हटाया गया है, इस पर जो बोर्ड लगा हुआ था वो बेसिकली 2017 में रेप का एक मुद्दा है। एक माइनर लड़की के साथ में बलात्कार केस रजिस्टर्ड था, एट्रोसिटी की धारा में केस रजिस्टर्ड था। तो रेप के एक्यूज के द्वारा इस प्रकार का जो कब्जा किया गया था उसको प्रशासन और पुलिस ने हटाया है। उसमें केस में फर्दर क्या अपडेटेड स्थिति है इसकी जानकारी लेंगे, उसमें भी कोई वैधानिक फर्दर कार्रवाई करने की जरूरत होगी तो